मेरा बचपन से ही आईपीएस का सपना था कि मैं आईपीएस बनूंगी, और मेरी स्टडी भी इसी अनुसार चली थी। पर जैसे ही मेरी मैरिज हुई, उसके बाद मैं पढ़ रही थी, पढ़ाई भी चली थी मेरी साथ साथ में। तो उसके बाद 2002 में जो है, मेरे पति शीतला माता मंदिर में जो है लेबर वर्क करते थे, एक मजदूर का काम करते थे। वहाँ पर उनके भंडारे की जो लकड़ी काटते हैं, उस लकड़ी काटने के दौरान वो लकड़ी पेड़ उनके पेड़ जो है उनकी पीठ पे गिर गया, जिससे वो पैरालाइज हो गए। चंडीगढ़ में उनका इलाज हुआ, मतलब वो बिल्कुल ही बेड पर थे, कुछ भी नहीं कर पाते थे। तो उस दौरान मेरे ऊपर मतलब एक पहाड़ सा टूट पड़ा। मेरे पास ना कोई इनकम सोर्स था, मेरी पढ़ाई भी छूट गई, और बच्चों का पालन पोषण करना भी मेरे ऊपर बहुत मतलब बहुत मुश्किल हो गया मुझे, और अपने घर का गुजारा करना भी, और अपने पति का इलाज करना भी। और इस दौरान मुझे किसी भी तरह की कोई भी हेल्प नहीं मिली। तो उसके बाद मुझे बहुत मुश्किल हुई मतलब घर चलाने के लिए और पति का इलाज करने के लिए। तो उसके बाद मैंने 2015 में मैंने देखा कि जब मैंने नौकरी के लिए भी काफ़ी अप्लाई किया, नौकरी में भी मुझे कोई भी वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, किसी का कोई भी नौकरी नहीं मिली। उसके बाद जो मेरे घर की ज़मीन थी, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी पे कुछ ना कुछ करूँ, इस ज़मीन का भी कुछ हो जाएगा और मतलब मेरा इनकम का भी सोर्स चल पड़ेगा। तो फिर 2015-16 में मैंने पॉली हाउस की खेती का काम सोचा कि मैं पॉली हाउस लगाऊँगी। तो उस टाइम हमारे यहाँ पे पानी की भी दिक्कत थी, और शायद 14-15 में ही हमारे यहाँ पे जो झील से जो उठाऊ जल योजना वो चालू हुई। फिर तो मैंने कुछ नहीं देखा, फिर तो मैंने मतलब पॉली हाउस का सोच लिया कि मैं पॉली हाउस का ही काम करूँगी। फिर मैंने एग्रीकल्चर से जो है सब जो ये अनुदान के अंडर पॉली हाउस लगाए, पहले मैंने एक पॉली हाउस लगाया 2015-16 में, उसके बाद फिर मैंने दूसरा पॉली हाउस लगाया, और जो है मैंने ये मतलब अपने केसीसी के माध्यम से ही काम स्टार्ट किया। मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था इसके लिए, काम करने के लिए, तो मैंने केसीसी बनाई और उसके अनुसार मैंने पहले एक पॉली हाउस, फिर दूसरा, फिर अब तीसरा स्टार्ट किया, जिससे मेरे को खेती में मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, और इसी से मैं अपना परिवार चला रही हूँ। और आज मतलब मेरे को इससे काफ़ी अच्छा रोज़गार मिला है। मैं आने वाले युवाओं के लिए भी यही संदेश देना चाहूँगी कि अपनी खेती को, अपनी ज़मीन को ना छोड़ के आप ज़मीन का काम करें। ज़मीन में जो धरती माता है हमारी, उसका काम, उस पर उसका मिस यूज़ ना करें, उसको खेती को अपनाएं, और ये एक बहुत अच्छा ये है। और मैं सोचती हूँ कि मैं आईपीएस ना बन के मैं आज अपने धरती माता की आईपीएस बन गई हूँ, और मेरा लगातार लगभग मतलब सपना पूरा हो गया है।